हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी फ्रेंड प्रतिभा और मेरे चैनल कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सेव के लड्डू और ये लड्डू मैं गुड़ के साथ बनाऊंगी। सो ये बहुत हेल्दी होते हैं, तो चलिए हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सेव के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम सेव बनाने के लिए मैंने 1/2 kg बेसन लिया हुआ है और उसमें हम 2 से 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। और रिफाइंड डालने से मतलब तेल डालने से ये थोड़े से खुश्क बनते हैं, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। और अगर आप कुछ ज़्यादा खुश्क बनाना चाहें तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि तेल डालने से ये हल्का सा लड्डू जैसा बनने लगा है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मतलब आटा तैयार कर लेंगे बेसन का। और इसके लिए हमें आटा बहुत सख्त नहीं तैयार करना है, नरम आटा लगाना है। तो पानी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और आटा लगा लेंगे। अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लेके इसे चिकना कर लेंगे, क्योंकि ये बेसन है सो चिपकता बहुत है। तो आटा हमारा तैयार हो गया है और इसे मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था, जिससे ये सेट हो गया है। अब ये मेरे पास एक किचन प्रेस मशीन है जिससे हम सेव बनाते हैं। तो ये जो बेसन का आटा है इसमें हम भर लेंगे। और दूसरी साइड में मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया हुआ था, तो तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम ये बेसन के सेव इस किचन प्रेस मशीन से बना लेंगे। और इससे सेव बनाना बहुत इजी होता है, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। और इसके जो सेव बनाते हैं बेसन के जो लड्डू, सेव के जो लड्डू बनाते हैं, उसके लिए सेव हम थोड़े से मोटे बनाते हैं, तभी वो लड्डू टेस्टी लगते हैं। और जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हम इसे निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए सेव भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सेव बना लिए हुए हैं। अब मैंने उसी वापस से उसी कढ़ाई को क्लीन कर लिया हुआ है और उसमें हम गुड़ डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम गुड़ डाला हुआ है और उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और पानी डाल के इसका इसकी चाशनी तैयार करेंगे, जैसे चीनी की तैयार करते हैं वैसे ही हम गुड़ की तैयार करेंगे। और मैंने यहाँ पर बड़े बड़े टुकड़े लिए हुए हैं, आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़े लें तो वो जल्दी घुल जाएगा। सो हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा पानी ही डालना है जिससे कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। सो ये लड्डू गुड़ में बनते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई करना इसको। और आप देख सकते हैं कि गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट होने लगा है। तो अब हम इसे चेक कर लेंगे कि ये लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। तो हम इसे थोड़े से पानी में डाल के चेक कर लेंगे और जब इसकी बॉल जैसी बनने लगेगी छोटी सी, तब हम समझेंगे कि हमारा ये जो गुड़ है तो ये लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो जब ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा तब हम बीच बीच में इसे चेक करते जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से इसकी बॉल नहीं बन रही है, मतलब लड्डू हमारे नहीं बनेंगे। तो थोड़ी देर हम इसे और पकाएंगे और इसके बाद हम फिर से चेक कर लेंगे। तो अभी हम इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर और पकाएंगे और देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया है, मतलब गुड़ हमारा लगभग लगभग तैयार हो गया है। तो अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे गुड़ को। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो ये जो सेव हमने बना के तैयार करके रखे हुए हैं उन्हें डाल देंगे। और मैं इन्हें तोड़ना भूल गई थी, सो आप जब ये लड्डू बनाएं तो पहले ये सेव को हल्का सा तोड़ लें। तो आधे सेव मैंने इसमें ऐसे ही डाल दिए थे क्योंकि भूल गई थी मैं, और बाकी के बचे हुए सेव जो हैं उन्हें मैं बारीक बारीक तोड़ लूँगी, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, 1 इंच के टुकड़े से भी कम होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसे तोड़ लें तो लड्डू अच्छे से बाइंड होते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लड्डू बनाने के लिए हमें इन्हें थोड़ा सा तोड़ लेना है। और सेव और गुड़ की जो चाशनी है उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं और मम्मी इनके लड्डू दोनों लोग मिल के तैयार करेंगे, क्योंकि इसके लड्डू थोड़े से जल्दी बनाने होते हैं, क्योंकि फास्ट बनाना होता है, नहीं तो फिर ये हार्ड हो जाता है, फिर लड्डू बनाने में प्रॉब्लम होती है।
तो ये हाथ में चिपके नहीं, इसके लिए आपको हाथ में हथेली में थोड़ा सा पानी लगाना है, और इससे आपको गर्म भी नहीं लगेगा ज़्यादा और लड्डू भी बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। और सेव के लड्डू ये मेरी मम्मी बहुत अच्छे बनाती हैं, सो लड्डू मम्मी ने ही बनाया हुआ है और मैंने तो बस वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। तो आप इस लड्डू की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और ये गुड़ और सेव से बने हैं सो ये बहुत हेल्दी भी हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमेशा की तरह मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ।